अगर 1971 की जंग से पहले वायुसेना का सही इस्तेमाल होता तो आज पीओके भारत के पास होता। एयर चीफ मार्शल अरूप राहा ने आज ये बयान दिया। राहा ने कहा कि पीओके आज हमारे दिल में कांटे की तरह चुभता है। We did not apply ourselves adequately in achieving the end state. The only time when aerospace power was fully utilized and the results were there to be seen by the entire world. But the problem still continues. POK remains a thorn in our flesh even today. वायुसेना प्रमुख ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना ये भी कहा कि 1947 में सीमा पार की मिलिट्री और सरकार ने हमलावरों की मदद की, जिससे जम्मू कश्मीर में हालात बिगड़े। भारत ने बलूचिस्तान में बन रहे पाकिस्तान चीन इकोनॉमिक कॉरिडोर को अवैध बताया है। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता विकास स्वरूप ने कहा है कि पीओके में जिस इलाके से ये कॉरिडोर गुजर रहा है वो भारत का हिस्सा है, लेकिन उस पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा जमा रखा है, इसलिए भारत को इस पर एतराज है। विकास स्वरूप ने ये भी कहा कि अगर बलूचिस्तान में मानव अधिकारों का उल्लंघन होगा तो भारत इसे जोर शोर से उठाएगा। It passes through Indian sovereign territory under Pakistan's illegal occupation. And when we say POK, it is exactly that. It is Pakistan-occupied Kashmir. If we feel strongly about human rights violations happening in a particular part of the world, then we have every right to raise those concerns. भारत ने कश्मीर पर यूएन को लिखी पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ की चिट्ठी पर भी सवाल उठाए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तान कितनी भी चिट्ठी लिख ले, सच्चाई नहीं बदलने वाली। They can write as many letters as they want to. This will not change the reality on the ground. The reality on the ground is that Jammu and Kashmir is an integral part of India. जम्मू कश्मीर में बारापुला के पटन से आज सुरक्षा बलों ने दो आतंकियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए दोनों आतंकी लश्कर के बताए जा रहे हैं और इनके नाम शौकत अहमद गनी और परवेज अहमद मीर है। दोनों आतंकवादी सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के साझा ऑपरेशन में पकड़े गए। इनके पास से भारी तादाद में हथियार भी बरामद किए गए हैं। इनमें से AK-47, गोला बारूद और ग्रेनेड लॉन्चर भी शामिल है। साथ ही दोनों आतंकवादियों के पास से सुरक्षा बलों की वर्दियां भी मिली है। Militants have been trying to mobilize people and to threaten them so that they come out in the processions. So in this scenario, I think this is a big achievement by the पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ने DTH से चलने वाले भारतीय चैनलों का कंटेंट दिखाने पर पाबंदी लगा दी है। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पर भारत के रुख के बाद ये कदम उठाया है। पैमरा के चेयरमैन अफसार आलम ने कहा है कि सिर्फ वही टीवी चैनल विदेशी खबरें दिखा सकते हैं जिनको पाकिस्तान सरकार से लाइसेंस और इजाजत मिली है। पाकिस्तान के चैनल अपने एयर टाइम में 15 अक्टूबर 2016 से भारतीय चैनलों का 6% से भी कम कंटेंट प्रसारित कर सकते हैं। पैमरा ने यह आदेश लागू करने के लिए पाकिस्तानी टीवी चैनलों को 1.5 महीने का वक्त दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वियतनाम और चीन के दौरे के लिए रवाना होंगे। चीन में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन से पहले पीएम एक दिन के दौरे पर वियतनाम जाएंगे। ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पिछले 15 सालों में पहली वियतनाम यात्रा होगी। पीएम के इस दौरे में दोनों देशों के बीच ब्रह्मोस मिसाइल समेत कुछ अहम समझौते होने की उम्मीद है। इसके बाद प्रधानमंत्री चीन में G20 देशों के सम्मेलन में शामिल होंगे। चीन के दौरे से पहले पीएम मोदी का वियतनाम दौरा बहुत अहम माना जा रहा है। चीन और वियतनाम के बीच 1970, 1980 और 1990 के दशक में युद्ध हो चुके हैं। दोनों के बीच दक्षिणी चीन सागर को लेकर भी विवाद चल रहा है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आरएसएस के खिलाफ दिए बयान पर ट्रायल का सामना करेंगे। राहुल गांधी ने कहा है कि महात्मा गांधी की हत्या आरएसएस के लोगों ने की और वो अपने बयान पर कायम है। राहुल के केस की सुनवाई भिवंडी के ट्रायल कोर्ट में होगी और उन्हें पेशी से छूट नहीं दी गई है। तो हमने कहा कि जो हमने कहा है पहले उस पे हम कायम, हम कोई और बयान नहीं देने वाले। आरएसएस ने कहा सुप्रीम कोर्ट के रुख को देखकर राहुल गांधी यू टर्न लेने पर मजबूर हुए। कांग्रेस मेड स्ट्रेटजी कि जब रिजेक्ट होने की बजाय या वापस उसमें जाना है तो वॉलंटरली हम इसको क्यों ना कर लें, इसलिए दे हैव टेकन ए चॉइस कि हम केस लड़ेंगे। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल पर आरएसएस के सहारे राजनीति करने का आरोप लगाया। एवरीबॉडी कैन सी थ्रू इट व्हाट इज द गेम बीइंग प्लेड, दे जस्ट वांट टू मेक इट अ पॉलिटिकल गेम और अ पॉलिटिकल प्लॉय। राहुल गांधी ने यह बयान मार्च 2014 में महाराष्ट्र की भिवंडी में हुई रैली में दिया था, जिस पर आरएसएस के राजेश कुंटे ने राहुल पर केस दायर किया।
सीबीआई ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और माणिकचंद गुटका के मालिक आरएम धारीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। धारीवाल पर दाऊद की मदद से दुबई में गैरकानूनी तरीके से गुटका सप्लाई करने का आरोप है। दुबई में गुटके पर प्रतिबंध है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने गोवा गुटका के मालिक जेएम जोशी के खिलाफ भी चार्जशीट दर्ज की है। सीबीआई ने पाकिस्तान, इंग्लैंड और यूएई से दाऊद के गुटका व्यापार को लेकर जानकारी मांगी है। दाऊद का गुटका कारोबार उसका भाई अनीस इब्राहिम चलाता है। माणिकचंद ग्रुप पुणे से अपना कारोबार करता है। ये कंपनी गुटके के अलावा माउथ फ्रेशनर और बोतल बंद पानी भी बेचती है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज आम आदमी पार्टी के विधायक संदीप कुमार के अश्लील वीडियो के विवाद पर सफाई दी। केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने सीडी सामने आने पर फौरन कार्रवाई की। अगर हमारी नजर में कोई सबूत आता है, ठोस सबूत आता है, उसके खिलाफ तुरंत एक्शन होता है, जो दूसरी पार्टियों में नहीं होता। लेकिन ये देखने के बाद मुझे व्यक्तिगत तौर पर बहुत बहुत दुख हुआ। तो संदीप ने पूरे मूवमेंट को धोखा दिया। इससे पहले संदीप कुमार ने अपनी सफाई में दलित कार्ड खेला। संदीप ने कहा वो दलित हैं, इसलिए उन्हें फंसाया गया है। संदीप ने वीडियो की निष्पक्ष जांच की मांग की। खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा दलित होने का, ठीक है। मैं गरीब हूँ और दलितों में माँ दलित हूँ, वाल्मीकि समाज से हूँ, और ये जब से प्रतिमा लगाई है, जब से लोग आंखों में चुभ रहा हूँ। अब वो वीडियो मैंने भी देखा था, उसमें हल्का सा आदमी मैं यार, 150 किलो का आदमी, शुरू से ही इतना तगड़ा रहा हूँ। कोई कह रहा 2 महीने पहले की, कोई कह रहा 3 महीने पहले की, ये क्या है? आप लोग प्रूव करो इसको, इसको वो करो, इसकी ऑथेंटिसिटी चेक करो और उसके बाद बात करना। कल शाम संदीप कुमार का 9 मिनट का एक अश्लील वीडियो सामने आया था। इसमें संदीप कुमार 2 महिलाओं के साथ आपत्तिजनक हालत में दिखे। हिंडन नदी के पानी से हो रहे कैंसर की खबर जी न्यूज के डीएनए कार्यक्रम में दिखाए जाने का बड़ा असर हुआ है। यूपी के कृषि उत्पादन आयुक्त ने हिंडन से लगे 6 जिलों के डीएम को एक टीम बनाने का निर्देश दिया है। गाजियाबाद, बुलंदशहर, बागपत, सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर के जिला पंचायत अधिकारी और जल निगम के अधिकारी हिंडन के पानी के बुरे असर की पड़ताल करेंगे। ये टीम लोगों को जानकारी देगी कि वो गंदे पानी को ना पिए। लोगों के लिए टैंकर के जरिए पीने के पानी की वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। जो हैंडपंप रेड मार्क्ड हैं, उनको हटाया जाएगा। खराब हैंडपंप की जगह सुरक्षित हैंडपंप को लगवाने के भी निर्देश दिए गए हैं।